हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीचिंग फेयर। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ 8 प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज़। ये अलग अलग लोकेशन से है और यहाँ पे आपको सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ मिल जाएंगी और आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कई सारे स्कूल्स आपको सेंट्रल पे स्केल 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो इसकी डिटेल्स हम जानेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी फेसबुक ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की वैकेंसीज अपडेट आपको फेसबुक ग्रुप पे मिलती रहेंगी रेगुलरली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पहली वैकेंसी बेंगलुरु से है, यूरो स्कूल। काफ़ी रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल है। इसका जो करिकुलम है ICSE HSR लेआउट का लोकेशन है, CBSE में नॉर्थ कैंपस चिमनी हिल्स वाइट फील्ड, और प्रोपोस्ड CBSE जो होने वाला है बानरघट्टा या इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो यहाँ पे आप वैकेंसीज देख पा रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट आई हुई हैं। जैसे पहली वैकेंसी है प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स की, और क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ग्रेजुएट और यहाँ पे NTT या BEd। मिडिल स्कूल टीचर्स में यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST, हिंदी, इंग्लिश, कनाडा, फ्रेंच और ICT। तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मिडिल स्कूल टीचर के लिए है 6 to 8। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड्स 9 to 12, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपना चेक कर लें। कोऑर्डिनेटर सभी विंग्स के लिए चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी विंग के लिए भी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। वाइस प्रिंसिपल, HOD ऑल सब्जेक्ट, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर। आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक करते रहें और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कहा गया है वो भी देखें, और एक्टिविटी में ऑल स्पोर्ट्स, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। और नॉन टीचिंग में वैकेंसीज हैं एडमिन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, अकाउंट, स्टोर इंचार्ज, ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और IT इंचार्ज। आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों, और रिलेवेंट बोर्ड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। careers_bangalore@euroschoolindia.com। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, स्कूल नेम, कौन से ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्कूल नेम, पोजीशन अप्लाइड फॉर। एग्जांपल में दिया गया है यूरो स्कूल वाइट फील्ड CBSE मिडिल स्कूल मैथ। इस तरीके से आप मेल में सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे, और लास्ट डेट अप्लाई करने का हो जाएगा 13 दिसंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 18 यूरो स्कूल्स है। नेक्स्ट वैकेंसी, काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल, बेंगलोर में काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज है, NPS स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल। और इसकी जो वैकेंसीज आई हुई हैं 3 ब्रांचेस के लिए, NPS वाइट फील्ड, NPS ईस्ट और मराठा हली के लिए। तो यहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो स्केल मिलेगा पे स्केल 7th पे कमीशन यहाँ ऑलरेडी मेंशन है एडवर्टीजमेंट में, आप अप्लाई करें। पहला जो वाइट फील्ड का ब्रांच है उसमें प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी ऑल सब्जेक्ट्स टीचर्स, और स्कूल NPS ईस्ट का जो लोकेशन है प्री प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक सभी पोजीशंस हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं यहाँ पे दोस्तों, एग्जैक्टली क्लियरली मेंशन नहीं है कौन कौन सी पोस्ट है, लेकिन आप समझ सकते हैं कौन कौन से लेवल पे है। और NPS मराठा अली में प्री प्राइमरी से मिडिल है। अलग अलग सबके ईमेल ID दिए गए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो ये ईमेल ID नोट डाउन करें। आप एक से ज़्यादा लोकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिटेल रेज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 2 प्रोफेशनल रेफरेंस का नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको लिखना है, और आपको यहाँ पे मेल ID पे भेजना है। और दोस्तों यहाँ पे आप जब मेल से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक है फिलोसॉफी ऑफ एडुकेशन। तो आपका अपना फिलोसफी क्या है एडुकेशन पे, तो आपको खुद की अपनी ओपिनियन रखनी है। और यहाँ पे नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगली वैकेंसी बिहार से है, गया से, द किर्क व्यू स्कूल। और यहाँ पे
करंट अपॉइंटमेंट है और अगले सेशन के लिए भी वैकेंसीज़ है। आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, कब के लिए इंटरेस्टेड है, आपको यहाँ पे नोट में लिखा गया है। वैकेंसीज़ पहले देख सकते हैं, सीनियर क्लासेस में है पीजीटी में, इंग्लिश, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, पीई, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे सीआईएससीई से अफिलिएटेड है, आईसीएसई और आईएससी से भी अफिलिएटेड है। तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं, चर्च रोड, साउथ गांधी मैदान, गया, बिहार। आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है career@tkvs.org, या फिर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं तो आपको सीवी में इमीडिएट मेंशन करना है, मार्क करना है। अगले सेशन के लिए आपको अपना सीवी में सेशन 24 लिखना है, मार्क करना है। ये ज़रूर मेंशन करें कि आप इमीडिएट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगले सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और हमारी दोस्तों अभी 1 वीक में काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हुई हैं, अगले सेशन की अच्छी अच्छी स्कूल्स मेंशनड है, कवर्ड हैं, ज़रूर चेक करें। अभी भी आपको टाइमलाइन डेडलाइन मिलेगा, अभी भी आप अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से, पूर्वांचल विद्या मंदिर। यहाँ आपको दोस्तों टीचर्स की रिक्वायरमेंट है प्री प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में सभी पोस्ट के लिए। कौन कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट आई हुई है इसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करनी है, जो कि है purvanchalvidyamandir.org। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 8 दिसंबर। ये काफ़ी नया आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, पहली बार मैं ये स्कूल देख रही हूँ, पतंजलि गुरुकुलम। ये आपका उत्तरकाशी का लोकेशन है, हरिद्वार का लोकेशन है उत्तराखंड का। तो इनके भी स्कूल है जो कि प्राइवेट है, बट ये आपको 7th pay commission के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी रिनाउंड ट्रस्ट है पतंजलि, और नर्सरी से क्लास 12 तक है। वैकेंसीज जो आए आपकी पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस संस्कृत, टीजीटी में संस्कृत और कंप्यूटर, फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, आर्ट एंड क्राफ्ट में भरतनाट्यम, डांस फॉर्म, म्यूज़िक में वोकल और हारमोनियम, तबला, सिंथेसाइजर, गिटार, फ्लूट। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लें, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन है, और एकेडमिशियन प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अप टू क्लास 10 तक आपको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, जूनियर विंग के लिए और सीनियर विंग के लिए रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें, पीआरटी के लिए ग्रेजुएट विथ डीएलएड, टीजीटी के लिए ग्रेजुएट या मास्टर्स विथ बीएड, एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का, सैलरी अकॉर्डिंग 7th pay commission। आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट patanjaligurukulam.org.in पर रजिस्टर करना है। लास्ट डेट रजिस्टर करने की है 30th December। आपको मेल के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, रजिस्टर अकाउंट बना के ऑनलाइन अप्लाई करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, और आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग अगर आपका होता है तो मेल या टेलीफोन के थ्रू आपको 31st December तक बता दिया जाएगा। अगली वैकेंसी वेस्ट बंगाल की लोकेशन है सिलीगुड़ी का, मेरा होम टाउन है, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं रिसर्चर और ट्रेनर में, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, HOD, सीनियर मेंटर। सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी और इंग्लिश। आर्टिस्ट फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, थिएटर, ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग, डिजिटल आर्ट या एनिमेशन। नेशनल या स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोचेस इन सभी स्पेशलाइजेशन के लिए, और ट्यूटोरियल फैकल्टी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट या JEE के लिए, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। यहाँ पे अगर ट्यूटोरियल फैकल्टी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका विंटर कोचिंग यहाँ पे काफ़ी फेमस होता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2 मंथ पार्ट टाइम बेसिस पे। आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी दी जाएगी। आप अप्लाई करना है आपको मेल के थ्रू careers@gdgoenkaschool.in, info@gdgoenkaschool.in। अगली वैकेंसी लखनऊ से है, द संस्कृति स्कूल लखनऊ, और ये CBSE स्कूल है। यहाँ पे वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से अच्छे से मेंशन है। टेट क्वालिफाइड होना चाहिए प्राइमरी में अप्लाई करना चाहते हैं। PGT, TGT, प्राइमरी एंटिटी टीचर्स ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट,
और HOD फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, उसी तरह टेट क्वालिफाइड होना चाहिए HOD के लिए भी। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, यहाँ पे बाकी भी पोस्ट है, आप चेक करें एक बार अच्छे से। लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, करियर काउंसलर, हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर, स्पोर्ट एंड डांस कोचेज, स्पोर्ट एंड डांस एंड म्यूजिक कोचेस, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन है। और क्लर्क की वैकेंसी है UDC और LDC की, साथ ही साथ HR एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको ये सारी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। चाहे तो आप इसे पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें अच्छे से, तभी अप्लाई करें। मेल ID के थ्रू HR@संस्कृतिस्कूल.edu.in, लास्ट डेट हो जाएगा 15 दिसंबर। अगली वैकेंसी उड़ीसा से है, कटक से, टेट्राहेड्रॉन हायर सेकेंडरी स्कूल टांगी कटक। यहाँ पे लेक्चरर्स यानी कि +2 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोटनी, जूलॉजी, IT, इंग्लिश, संस्कृत, अकाउंटेंट की 4 वैकेंसी है, BCom और विथ टैली, एंड हॉस्टल सुपरवाइज़र। तो हॉस्टल सुपरवाइज़र यानी कि आपको यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिल जाएगी। आप यहाँ इसकी मेल ID को नोट डाउन कर लें और नंबर को भी ज़रूर नोट डाउन करें। तो दोस्तों ये थी कुल 8 प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल्स मैंने आपको आज बताए, पतंजलि के स्कूल, NPS के स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स में टारगेट रखें। प्राइवेट में भी आपको सेंट्रल पे कमीशन KVS की बराबर की सैलरी आपको मिल सकती है, तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, अप्लाई जल्द से जल्द कर दें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वैकेंसीज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके, जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।